2019 ग्राफिक्स कार्ड के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर रहा है। मतलब हर तरफ से, इधर से उधर से, हर जगह से ग्राफिक्स कार्ड निकल रहे हैं। एनवीडिया की 10 सीरीज, 16 सीरीज, 20 सीरीज सब चल रही हैं, ठीक है। एएमडी की भी आरएक्स सीरीज है, वेगा है, सब है। तो इस समय जो बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड टू बाय वाली जो गाइड है, ये बनानी मुझे लगा कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल शायद इंडिया के इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो थोड़ा 1650 के गाने गाने में लगे हुए हैं। बहुत बेकार कार्ड है, मत खरीदना। हे एवरीवन, गेमर्स, स्ट्रीमर्स एंड एवरीवन एल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड टू बाय के बारे में। हम इनको कुछ क्राइटेरियाज पर डिसाइड करेंगे। वो क्राइटेरियाज मैं तुम्हारे को अभी से बता देता हूँ। नंबर वन, तो हम तीन रेजोल्यूशंस की बात करेंगे, 1080p, 1440 और 4K, जो तुम्हारे मेन तीन रेजोल्यूशन हैं। इनके अलावा कोई और रेजोल्यूशन पर कोई गेम खेली जाती है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। उसके अलावा हम प्राइस में ऐसे बात करेंगे कि मैं, जैसे समझ लो मैं 1080p के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं एक बेस्ट कार्ड बताऊँगा कि उस रेजोल्यूशन में खेलने के लिए तुम्हारे को बेस्ट कार्ड कौन सा होगा, और एक मैं बताऊँगा कि वो वाला कार्ड तुम ले लो जो थोड़ा सा बजट ओरिएंटेड बिल्ड अगर तुम्हें को चाहिए हो तो उस चीज़ के लिए। 1650 में किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मिनिमम 60 FPS की बात करूँगा, ठीक है ना, कि मिनिमम तुम्हारे को 60 FPS मिल जाए हर एक गेम में। तो बेस्ट कार्ड और थोड़ा एक बजट ओरिएंटेड कार्ड। रही बात कि तुम्हारे को कौन से ब्रांड का कार्ड लेना चाहिए, ब्रांड में मैं AMD और NVIDIA नहीं बोलने वाला हूँ। ब्रांड से मेरा मतलब है कि अलग अलग ASUS, गीगाबाइट, MSI, ZOTEC, किसका लेना चाहिए, तो उस बारे में मैं तुम्हारे को थोड़ा सा बता दूं पहले से ही। तो देखो भाई, जो एक महंगा कार्ड होगा ना, समझ लो एसूस का कार्ड महंगा होता है, उसमें तुम्हारे को सिर्फ ज़्यादा अच्छे फैक्ट्री क्लॉक मिलता है और ज़्यादा अच्छी कूलिंग मिलती है। तो ये ज़्यादा अच्छे फैक्ट्री क्लॉक और ज़्यादा अच्छी कूलिंग तुम्हारे को वैसे तो बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं कूलिंग अच्छी और सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए ना, तो तुम्हारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 फ्रेम्स का फ़र्क दिखता है इस सबसे। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि जो है सस्ते वाले पर ही चले जाओ। अब वही है, सस्ते वाले में ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़ोटेक तक चले जाओ, गीगाबाइट तक भी काम चल जाएगा। मतलब एसूस की जगह तुम गीगाबाइट तक का ले लो। गीगाबाइट का विंड फोर्स काफ़ी अच्छा मॉडल निकाला है उन्होंने, उस बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मतलब ब्रांड में बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम चीप वाली ब्रांड में लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे को उसमें कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई तुम्हारे को फ़र्क दिखेगा नहीं। वो अलग बात है तुम्हारी पर्सनल चॉइस ही हो कि भैया तुम्हें जाना ही ASUS के साथ है, या फिर तुम्हारे को थोड़ा RGB वगैरह चमकानी हो, बिकॉज RGB इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ गेमिंग बिल्ड। तुम RGB के बिना गेमिंग बिल्ड बनाने की सोच भी कैसे सकते हो, लानत है तुम पे। तो मतलब जैसे अगर तुमने ASUS का ही मदरबोर्ड ले लिया, तो ऑब्वियसली तुम ग्राफिक कार्ड भी ASUS का ही चुनना पसंद करोगे अगर तुम्हारे को RGB चमकानी है तो। लेकिन वो तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस है, उस बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रख लेना ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हुए, कि तुम्हारा जो केस है और जो तुम्हारा PC है उसका साइज क्या है, मतलब तुम्हारे केस का। क्योंकि अगर तुम मिनी ITX बना रहे हो PC में, तुम्हारा केस छोटा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे को जो है छोटे वाले ग्राफिक कार्ड, जो डुअल फैन या सिंगल फैन वाले भी जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, वो वाले वर्जन्स लेने पड़ेंगे, जिसमें कि तुम्हारे को ऑब्वियसली थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम मिलेगी। लेकिन वही है, छोटे केसेस के लिए वो बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो मतलब यही लगा लो, तुम्हारे को 6, 7, 8 फ्रेम्स का शायद फ़र्क दिख सकता है, लेकिन तुम इतने ज़्यादा फंसी नहीं हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना आपने जब तुम ग्राफिक्स कार्ड चूज कर रहे हो। सो दोज वर द क्राइटेरियाज वील बी डीलिंग इन। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड्स की। तो अगर तुम 1080p में जा रहे हो, 1080p रेजोल्यूशन में अगर तुम जा रहे हो, तो तुम्हारे को जो सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड अगर तुम ले सकते हो ना, कि तुम्हारे को 1080p से ऊपर नहीं खेलना है और मिनिमम 60 FPS चाहिए ही चाहिए, तो तुम जाओगे 1660 Ti के साथ। एनवीडिया का 1660 Ti, ब्रांड तुम चाहे कोई भी चूज कर लो, जो तुम्हारे को सस्ती मिल रही हो, जैसी मिल रही हो, जैसे मैंने बताया। 1660 Ti का प्राइस 26 से 30 हज़ार रुपये है मार्केट में। तुम जो मर्जी ब्रांड का ले लो, इसी प्राइस रेंज के बीच में होगा। 1080p में हाई सेटिंग्स में, अल्ट्रा सेटिंग्स में अगर तुम्हारे को कोई भी गेम खेलनी है, चाहे वो आज की गेम हो, चाहे वो पुरानी गेम्स हो, पुरानी तो ऑब्वियसली सारी की सारी तुम्हारे को हाई सेटिंग्स में अच्छे 60 FPS देंगी। उसके अलावा कुछ कुछ गेम्स में जो थोड़े से इंडी टाइटल्स होते हैं या फिर जो और भी गेम्स होती है, उनमें कईयों में, डिपेंडिंग ऑन तुमने कितनी रैम ले रखी है और कौन सा प्रोसेसर ले रखा है, तुम्हारे को हाई में 65-70 FPS तक पहुंच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बेस्ट कार्ड अगर तुम्हारे को लेना है 1080p के लिए, तो तुम लोगे 1660 Ti। अब हम आ जाते हैं थोड़े बजट ओरिएंटेड कार्ड पे। तो बजट के लिए अगर लेना है तुम्हारे को, तो ऑब्वियसली इससे एक नीचे 1660 ले लो।
तुम्हार को आराम से 60 FPS ये भी 1080p में दे देगा ज़्यादातर गेम्स में। जो बहुत ही ज़्यादा भारी गेम्स होती हैं उनमें भी ये 58 FPS से नीचे नहीं जाएगा। और अगर सेटिंग्स तुम थोड़ी सी नीचे कर सको तो तुम्हार को और भी अच्छा तुम्हार को वो मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कार्ड है 1660 भी, अगर तुम थोड़े से बजट में हो और ज़्यादा तुम्हार को फ्रेम्स में फंसी नहीं हो कि 60 FPS तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 60 से ऊपर ही आने चाहिए तभी मैं उसमें अच्छा खेल पाऊँगा, तो तुम्हारा काम 1660 से चल जाएगा। 1660 तुम्हारे को मार्केट में 19 से 23-24 हज़ार का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी ब्रांड तुम ले रहे हो। जोटैक का तुम्हारे को सबसे सस्ता मिलता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम गीगाबाइट का लो, क्योंकि थोड़ा सा गीगाबाइट इंडिया में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, वही है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं ब्रांड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए ना तो 1660 Ti से मच बेटर रिकमेंडेशन है 1660। अब परफॉर्मेंस वाइज नहीं, लेकिन अगर तुम बजट के उससे देखो तो, क्योंकि 26 हज़ार रुपये अगर 1660 Ti का मिनिमम है और 19 हज़ार रुपये 1660 का मिनिमम है, तो ये तुम्हारा पूरा 7 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया भाई। 7 हज़ार रुपये में तुम्हारे को सिर्फ 5 फ्रेम्स ऊपर मिल रहे हैं। आगे मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, तुम खुद समझदार हो। अब अगर तुम्हारे को और ज़्यादा प्राइस में अग्रेसिवली बचत करनी है तो तुम RX 580 के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अब RX 580 शायद 1660 जितना फास्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली GDDR6 है 1660 के पास, लेकिन वही है, अगर वो फास्ट नहीं भी है तब भी तुम्हारे को ज़्यादातर टाइटल्स में वो हाई और मैक्स सेटिंग्स पर 60 FPS दे देगा। RX 580 तुम्हारे को आराम से 17 हज़ार रुपये का भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारे बहुत पैसे बच सकते हैं। तो 1080p में तो तुम्हारे पास बहुत चॉइस है और बहुत ही प्राइस एग्रेसिव चॉइसेस हैं, कि मतलब बहुत आसानी से तुम बचत कर सकते हो। तुमको बहुत ज़्यादा एनवीडिया से प्यार है तो तुम 1660 या 1660 Ti ले सकते हो। अगर तुम्हारे को बिल्कुल ही बजट पर जाना है तो RX 580 भी ले सकते हो। उसके अलावा RX 570 भी ले सकते हो, लेकिन वही फिर वो 1650 से थोड़ी सी ऊपर वाली परफॉर्मेंस वाले उसमें आ गया, तुम्हारे को पूरे 60 FPS कतई नहीं मिलेंगे हाई सेटिंग्स पर। तुम्हारे को आराम से जो है थोड़ी सी सेटिंग्स कम करनी पड़ेंगी, इसमें 55 FPS ज़रूर मिल जाएंगे। और वही है, RX 570 से अगर तुम देखा जाए तो RX 580 कोई 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये महंगा है, तो बचत तो तुम कर लोगे, लेकिन 60 फ्रेम्स भी अगर तुम्हारे को नहीं मिले तो दैट्स नॉट वर्थ इट एक्चुअली। तो 1660 एनवीडिया की तरफ से या फिर RX 580, ये मिनिमम चॉइसेस होनी चाहिए तुम्हारी, अगर तुम्हारे को 1080p में 60 FPS पे खेलना है तो। आई एम सॉरी, मैंने 1080 को थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा लिया, लेकिन वही है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेजोल्यूशन है, तो इसको थोड़ा एग्रेसिवली बताना था। अब हम 1440 पर आ जाते हैं। तो 1440 रेजोल्यूशन पर अगर तुम्हारे को खेलना है 1440p पर, तो तुम्हारी जो बेस्ट बेट है, जो बेस्ट ग्राफिक कार्ड तुम ले सकते हो, वो होगा 2060। विदाउट एनी डाउट 2060 तुम्हारे को अच्छा RTX ऑफ करके, RTX की बात नहीं करूंगा भाई मैं यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम्स पर डिस्कशन होगी यहाँ पे और रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगी। तो तुम्हारे को आराम से 60 FPS मिलेंगे 1440p में अगर तुम 2060 लगा लेते हो, ये तुम्हारी बेस्ट बेट होगी। तो 2060 तुम्हारी बेस्ट बेट है, बेस्ट ग्राफिक कार्ड है तुम्हारे को अगर 1440p में हाई पर 60 FPS चाहिए, हाई सेटिंग्स पर। 2060 के आने से पहले तुम्हारे को 1440 पर अगर 60 FPS चाहिए थे तो 1070 जैसा कार्ड खरीदना पड़ता था। अब 1070 कितना महंगा था ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 45,000 तक का पड़ जाता था वो, 40,000-45,000 तक का। लेकिन अब 2060 तुम्हारे को मिनिमम प्राइस 32,000 और मैक्सिमम प्राइस 36,000 में मिल जाता है, तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि तुम्हारे को कौन सा कार्ड लेना चाहिए अगर तुम्हारे को बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो। लेकिन अगर तुम थोड़े से बजट ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आते हो, बिकॉज हम सब गरीब हैं, तो तुम जाओगे 1660 Ti। अब देखो, वैसे तो मैंने जो बोला था कि ये 1080p के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला था, 1080p में तुम्हारे को 5 या 6 या 7 FPS ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो उन 5 या 6 या 7 या 10 FPS को जो है ना, तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 1440p में तुम्हारे को 60 FPS मिल जाएंगे बड़े आराम से। ऑल्सो तुम RX 590 के लिए भी एक वो कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन प्राइस वगैरह देखें ना अगर इन दोनों के, तो 1660 Ti ही तुम्हारा अच्छा कार्ड है। तो 1660 Ti अगर तुम बजट ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आते हो, और 2060 अगर तुम्हारे को पैसे की चिंता नहीं है और तुम बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो, तो 2060 ले लो। अब हम बात कर लेते हैं द बेहिमत इन द रूम, 4K रेजोल्यूशन। एक तो जो है ना 4K रेजोल्यूशन, थोड़ा सा बोलते हुए भी जो होते हैं ना पसीने से आ जाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत है यार, खर्चा। 4K रेजोल्यूशन, 4K स्क्रीन महंगी, ग्राफिक कार्ड महंगा, उसका बिल्ड महंगा, उसके लिए प्रोसेसर महंगा, सब कुछ। ये थोड़े से जो होते हैं लखपति करोड़पति लोगों वाली लाइन में आ गए हम।
तो 4K के रेजोल्यूशन पर अगर तुम्हारे को बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑब्वियसली मार्केट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड RTX 2080 Ti। मेरी तरफ से कभी भी एक रेकमेंडेड परचेज नहीं है RTX 2080 Ti, मैं साफ बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा महंगा कार्ड है ये, इतना महंगा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। RTX 2080 Ti तुम्हारे को मार्केट में मिनिमम 1,05,000 से लेकर 1,18,000 तक भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम कहाँ से खरीद रहे हो और कौन सी ब्रांड का खरीद रहे हो। कपड़े उतार देने वाला कार्ड है ये, लेकिन वही है, बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। तुम्हारे को 4K में भी ये आराम से 100 to 110 to 120 FPS दे देगा, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी गेम खेल रहे हो। इसमें RTX ऑन करने के बाद भी RTX सपोर्टेड गेम्स में तुम्हारे को ये 60 FPS देगा। तो अगर तुम्हारे को थोड़े से ज़्यादा सीनरी सुंदर दिखने वाली गेम्स चाहिए, जैसे कि फाइनल फैंटेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेम्स आई हैव एवर प्लेड इन माई इंटायर लाइफ, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं, तो तुम RTX ऑन करके भी खेल सकते हो 2080 Ti एनी डे। एक मिनट, फाइनल फैंटेसी में RTX सपोर्टेड है? चेक कर लेना भाई लोग, लेकिन वही है, बेस्ट लुकिंग गेम्स को तुम RTX ऑन करके खेलोगे, बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा और भी कई फ़ायदे हैं 2080 Ti लेने के, कि एनवीडिया का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक नई जनरेशन के कार्ड निकालने से पहले 2, 2.5, 3 साल वेट करती है। पिछले अगर तुम जनरेशन को देखोगे तो, मैं दोबारा इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, पहले एक वीडियो में कर रखा है मैंने। तो अगर तुम देखोगे 2 से 3 साल लगते हैं, तो 2 से 3 साल तक ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना भूल जाओ। अब वही है, 1,20,000 रुपये तुमने ग्राफिक कार्ड पे खर्च किया, कम से कम मेरे को नहीं लगता 5 साल से पहले तुम्हारे को अपग्रेड करने की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन दैट्स नॉट माई पॉइंट। तो तुम्हारे को ये चीज़ें, ये फ़ायदे मिलेंगे अगर तुम 2080 Ti लेते हो और तुम अमीर की औलाद हो तो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से बजट ओरिएंटेड चीज़ की। अब देखा जाए ना, तो तुम 4K का, अगर तुम मैक्स सेटिंग्स के दीवाने नहीं हो, तब भी तुम 4K का बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ RTX 2070 लेके भी। RTX 2070 भी तुम्हारे को एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा 4K में, जिसमें कि तुम्हारे को 60 FPS मिनिमम मिल जाएंगे। अब GTX 1080 Ti तो मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो RTX 2070 बचता है एक अच्छा उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव। थोड़ा सा इससे, बहुत थोड़ा सा 1080 Ti से फास्ट है तुम्हारा RTX 2070, और तुम्हारे को अच्छे खासे अपग्रेड्स मिलते हैं उसके सामने। दूसरा, तुम्हारे को RTX टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिलता है, वो अलग बात है कि RTX ऑन करने के बाद तुम अपेरेंटली अपने फ्रेम्स का मर्डर कर रहे हो लेकिन दैट्स नॉट माई पॉइंट, RTX ऑन करने की हम बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 60 FPS तुम्हारे को आराम से RTX 2070 में मिल जाएंगे, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है, 4K में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करो, अनलेस एंड अनटिल तुम कॉम्पिटिटिवली नहीं खेल रहे हो, या फिर तुम्हारे को दोस्तों के सामने शो ऑफ करने का शौक नहीं है। मेरे सामने झूठ में भी मत बोलना कि तुम अगर 80,000 रुपये से ऊपर का एक PC बिल्ड बना लेते हो तो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ नहीं करते हो, ठीक है ना। किसी और को पागल बनाना, मेरे को तो बिल्कुल मत बनाना। जब तुम इतना महंगा PC बनाते हो ना, तो सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं बनाते हो, एक स्टेटस सिंबल के उससे बनाते हो। 1,20,000 का, 1,00,000 रुपये का तुमने सिर्फ ग्राफिक कार्ड ले लिया है, तो कम से कम 80,000 रुपये तो और बाकी सब कंपोनेंट्स में भी खर्च करोगे ना। तो भैया 2,00,000 रुपये के PC बनाने के बाद तुम मेरे सामने ये नहीं बोल सकते कि बेटा तुमने जो है सिर्फ गेम खेलने के लिए, भैया हमने तो बनवाया है ना। तो ये चीज़ें मेरे सामने मत बोलना। तो अगर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो RTX 2080 के साथ जाओ, अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए कि 60 FPS मिनिमम मिल जाए तो RTX 2070 के साथ जाओ। बीच में रहना है तो 2080 के साथ भी जा सकते हो, तुम्हारे को आराम से 70 to 72 FPS मिल जाएंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो तो ऑब्वियसली तुम्हारे बजट पे डिपेंड करता है। RTX 2070 बाय द वे तुम्हारे को मार्केट में मिनिमम प्राइस 45,000 और मैक्सिमम प्राइस 50,000 पे मिलेगा। जो मर्जी ब्रांड तुम्हारे को खरीदनी हो, खरीद लो। विद दिस आज की व्हाट ग्राफिक्स कार्ड टू बाय गाइड हुई पूरी। मेरे को बताओ यार, इसमें क्या चीज़ तुम और सोचना चाहोगे? मैंने तीनों रेजोल्यूशन में हर एक प्राइस पॉइंट पे बात की है, हर एक तरीके ग्राफिक कार्ड को डिस्कस कर लिया है। AMD मैंने इसमें थोड़ा सा नहीं घुसाया है, क्योंकि यार बड़ी सीरियस सी बात बता रहा हूँ, इस समय मैं AMD के कार्ड जो है रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नावी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ऑब्वियसली मैं ये वाली ग्राफिक्स कार्ड बाय व्हाट ग्राफिक्स कार्ड टू बाय वाली गाइड नावी के रिलीज़ होने के बाद भी बनाऊँगा, तो उस चीज़ का वेट कर लो अगर करना चाहो तो। लेकिन नहीं करना हो तो बिल्कुल इस समय भी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने का बहुत अच्छा टाइम है, खरीद सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, अपनी गेमिंग आराम से कर सकते हो। तो विद दिस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी मार सकते हो यार, बस रीज़न ज़रूर बता देना कि क्यों मारा है, अभी तो कम कमेंट्स करते हो, देख लूँगा मैं। सब्सक्राइब करो यार चैनल को, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं यार, भाई को थोड़ा सा बढ़ने का मौका दो, फिर देखो कंटेंट क्या आता है। एंड टेक न्यूज़ का अगर शौक़ हो तो ये थोड़े से वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ, वो वाली वीडियोज़ भी देखो यार, और आई सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप प्लेइंग, माँ बाप को थोड़ा थोड़ा परेशान करते रहो, उनको भी पेरेंटहुड का मज़ा दो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।